I did a massage. I came back to the room and then I saw many missed calls from Bombay. Bombay mein news पहुंच गया, but I didn't know about this, you मॉरिशस know, में पता ही नहीं making मॉरिशस में it. पता So I said, is this some kind of prank or what the hell is happening? फिर पता चला कि all this happened. So I said, okay, you know, I was happy that everything was okay and ओके nothing ऑल्स वेल दैट happened. एंड्स वेल। ओके इन द फ्यूचर आप किस तरह की रोल्स करना चाहेंगे, किन डायरेक्टर्स के साथ आपकी एक विश लिस्ट होगी? जी मेरे को हर एक के साथ काम करना है। एक्चुअली किसी और ने भी मुझसे ये सवाल पूछा, मैं बोला मुझे कोई किसी का कैरेक्टर नहीं करना है, मुझे अपना कैरेक्टर बनाना है। जैसे आज मदर इंडिया में सुनील दत्त जी ने एक कैरेक्टर कर लिया, मैं आज वो करूंगा तो मैं सुनील दत्त जी के ही इधर आऊंगा। आई वॉन्ट टू डू माई ओन कैरेक्टर्स, भले बड़ा हो छोटा हो, अपने कैरेक्टर्स करने जो नए हो फ्रेश हो। ओके आप बताएं कुछ अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में। मेरी अगली रिलीज होगी डैडी कूल, दैट्स माय फर्स्ट कॉमेडी, दैट्स अ मल्टी स्टारर विद इंदर विथ कुमार इंद्र जी. कुमार। या यस आई एम क्वाइट एक्साइटेड क्योंकि वो भी अलग सा फिल्म है, मैंने कभी कॉमेडी नहीं की है. सो दैट्स अगेन आई विल गेट टू सी माई पीपल एंड मी विल लाइक जस्ट नॉट माई सेल्फ, आई डोंट डू फिल्म जस्ट माई सेल्फ, बट माई फैंस एंड पीपल विल गेट टू सी अनदर साइड ऑफ माई परफॉर्मेंस, यू नो, अनदर ट्यूलिप ऑन स्क्रीन. और एंड करंटली आई एम शूटिंग फॉर पुनीत सर्स फिल्म. व्हाट इज दिस, कुछ अगर आप रिवील। आई वोंट बी एबल टू से मच, बट इट्स अ ग्लोबल फिल्म, इट्स बेस्ड ऑन मिस्टेकन आइडेंटिटी. सो इट्स अ ऑलराइट वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, दे हैव टेकन एक्टर्स फ्रॉम हियर एंड यू हॉलीवुड, मतलब इट्स अ ग्लोबल फिल्म. ओके बिनु, एक सवाल जो मैं आपको पूछना चाहूंगा वो ये कि आपने अपने करियर की शुरुआत यशराज से की, एंड जी आई एम श्योर आपको कई लोगों ने ये सवाल पूछा होगा, उनके बाद आपने दोबारा काम नहीं किया, जी क्यों? आई डोंट नो, आई एम होपिंग टू वर्क विद देम अगेन समटाइम. आई एम वेटिंग फॉर दैट. ओके आखिरी सवाल, दर्शक की फिल्म रनवे क्यों देखी, क्या खासियत है, व्हाट इज द यूएसपी ऑफ दिस फिल्म? आई थिंक द फ्रेशनेस, द लुक, इट्स वेरी स्लिक, फास्ट पेस्ड, और द म्यूजिक, म्यूजिक बहुत ही अच्छा है. और या दैट्स इट, आई थिंक पीपल शुड नॉट गो विद एनी एक्सपेक्टेशंस, दे शुड गो टू द थिएटर, टेक द पॉपकॉर्न, एंजॉय द फिल्म, एंड बिफोर दे नो इट द फिल्म इज ओवर. वाह आप क्या कहेंगे? सेम लाइक द फिल्म इज 1 hour 45 minutes, स्लिक, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फिल्म इज कि लाइक इट्स फ्रेश, म्यूजिक इज ऑसम, एंड हर आम आदमी ये पिक्चर देखना चाहेगा क्योंकि जो इस पिक्चर में मेरे साथ हुआ है वो शायद किसी के साथ हुआ होगा, किसी के साथ हो रहा होगा, किसी के साथ होने वाला होगा। जैसे एक आदमी फर्स्ट टाइम अब्रॉड जाता है तो क्या हो सकता है, तो पीपल शुड गो एंड वॉच दिस फिल्म फॉर दैट। Wow, looking forward to the fate of the film and wish you all the best. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for joining us on our show. Thank you. अब मुलाकात सोमवार को होगी, मंडे को जानेंगे नई फिल्मों के पहले 3 दिनों का बिजनेस कितना तंदुरुस्त रहा। इसके अलावा ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस से मुलाकात होगी एक्टर गुलशन ग्रोवर से, जो कई हिंदुस्तानी और हॉलीवुड फिल्मों का अहम हिस्सा रहे हैं। अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या फिर कोई सुझाव तो हमें जरूर लिखें। हमारा पता है bollywoodbusiness@etc.in। अब मुलाकात सोमवार को होगी, मैं तरण आदर्श अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। कीप वॉचिंग ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस मंडे से फ्राइडे रोज रात 8:30 बजे और फिर रात 11:30 बजे ईटीसी पे, द बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट। अब आप ये शो जी ट्रेंड्स पे भी मंडे से फ्राइडे रोज सुबह 10 बजे देख सकते हैं। और हां, अगर आप अपने फेवरेट स्टार्स की ऑटोग्राफ मग्स जीतना चाहते हैं तो इस शो की समाप्ति पे एक इंपॉर्टेंट सूचना जरूर देखें। नमस्ते। अब आप जीत सकते हैं अपने फेवरेट स्टार्स के ऑटोग्राफ मग। बस टाइप कीजिए BBiz स्पेस नेम ऑफ द एक्टर और भेज दीजिए 57575 पर। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.etc.in पर। जितने ज्यादा SMS उतने बढ़ेंगे आपके जीतने के चांसेस। तो देखते रहिए ETC बॉलीवुड बिजनेस, ओनली ऑन ETC, द बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट।